अमित जी, पहले तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आए हैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने को, और बर्थडे स्पेशली, बर्थडे किस तरह आप एंजॉय करते हो, क्या कुछ करके आज? तो क्या है ना, लास्ट दो साल से मैंने शुरू किया, बिकॉज बाकी सालों से क्या हो रहा था कि दोस्तों से मिलो, क्लब में जाओ, पार्टी करो, दारू पार्टी, नाचना गाना, अभी वो भी सही है अपनी जगह पे, पर वो साल भर कभी ना कभी करते रहते हैं। तो मेरा बर्थडे के दिन कुछ अलग करना चाहिए, कुछ स्पेशल करना चाहिए, तो मैं सोचा कि क्रिकेट, सबको, सारे दोस्तों को बोला कि क्रिकेट ही खेलते, तो आप कैमरा घुमा सकते हो, देखो सारे हम जमा हुए इधर, 22-23 लोग, 11-11 की टीम है, परफेक्ट। तो बढ़िया क्रिकेट खेल। बचपन में किस तरह की यादें हैं बर्थडे को लेके, स्पेशली कोई ऐसा गिफ्ट जो हमेशा आपको याद रहा हो? बचपन में जब छोटे थे तभी तो बहुत ज़्यादा बर्थडे किया नहीं था हम लोगों ने हमारे घर पे, पर जब कभी मॉम चाहती थी, डैड नहीं चाहते थे, पर मॉम ने जब भी चाहा तो ऐसे ही लोगों को गैदर करते थे, केक कटिंग होती थी, समोसे वेफर होते थे, और नाच गाना होता था, वही होता था। अमित जी, आपके गानों की मैं बात करूँ, इतने सारे यादगार गाने आपने दिए हमें, कोई ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो, आज भी जो बर्थडे पे आप स्पेशली सुनते हो गाने? मेरे खुद के बनाए हुए? यस यस, मेरे खुद के बनाए हुए, मैं नहीं अपने बर्थडे पे अपने गाने में क्यों सुनूंगा, नहीं मैं सुनता नहीं, अपने गाने बहुत रेयरली सुनता हूँ, हार्डली सुनता हूँ, इनफैक्ट सुनता ही नहीं, बिकॉज वो जब बना के बन जाते हो चुका होता है, तब तक मैं उससे बाहर निकल चुका होता हूँ, वो दुनिया के लिए, फिर मैं वहाँ से कहीं और चले जाता हूँ। बट ऐसे तो स्पेशल फिल्में रही है, स्पेशल लोग रहे हैं जो मेरे लाइफ में आए हैं, और बहुत स्पेशल काम हुई है और आगे भी होंगे। इस साल की मैं बात करूँ, काफ़ी सारे गाने आपने दिए, रानी मुखर्जी ने काफ़ी तारीफ़ की आपके गानों की, आप कुछ कहना चाहोगे किस तरह से ये साल जा रहा है आपके लिए? आज स्पेशल डे भी है, बहुत अच्छा जा रहा है। नॉर्वे वर्सेस चैटर्जी का हमने जस्ट तो 3-4 दिन पहले ही हमने एक सक्सेस सेलिब्रेशन किया, यहाँ पे सारे टीम के मेंबर्स आए हुए थे, और एवरीबॉडी वाज वेरी वेरी हैप्पी, और बहुत दिल से सेलिब्रेट कर रहे थे, बिकॉज अच्छी सक्सेस हुई, फिल्म को भी हुई, गानों को भी सराहा गया, और उसके बाद अभी ये जुबली आई है, जुबली को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो अब तो खैर से 5 एपिसोड रिलीज़ हुए और अगले 5 अगले हफ्ते रिलीज होंगे, सो अच्छा रहा है अब तक तो, साल बहुत खूबसूरत जा रहा है, मज़ेदार जा रहा है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर। करियर को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे कि किस तरह आगे एक्सप्लोर करने को, कोई ऐसा ड्रीम कोलैब आपका है जो अब तक हुआ नहीं है? तो करियर को लेके मैं अभी फिलहाल 2 चीज़ में मेरे फोकस कर रहा हूँ, जो मेरा खुद का है, एक तो एटी आज़ाद है, जिसका अगला एल्बम है सॉन्ग्स ऑफ ट्रांसिशन 2, जिसको SOT2 करके आएगा, इट विल बी ऑल ओवर द प्लेस SOT2, और एटी और इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जो मेरा प्रॉपर कॉन्सर्ट है। आज ही आपने यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है? आज मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है, और इंद्रधनुष करके कॉन्सर्ट भी है जो कि मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कॉन्सर्ट है, प्रॉपर कॉन्सर्ट करने वाले यूट्यूब चैनल को लेकर? यूट्यूब चैनल में बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है, यूट्यूब चैनल में तो मेनली जो भी मेरे रिलीजेज यहाँ फिल्म के होंगे, नॉन फिल्म होंगे, हर तरह का रिलीजेज सब उस चैनल पे, उस तरह ट्रैफिक उस जगह पे जाके पास होगा। जाते जाते कोई आपका फेवरेट सॉन्ग या फिर कोई आपका ही सॉन्ग कोई ऐसा? अरे दिल जहाँ पे ले चला, हम वहीं पे चल दिए, हमने छोड़ दी सनम हर फिक्र कल के लिए, हर फिकर कल के लिए, हाँ जी, ये मेरा मंत्र फिलोसॉफी है लाइफ का, दिल जहाँ पे ले चला वहीं पे चल दिए, सारे फिकर छोड़ दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नहीं यार, इतना नहीं वेट कर पाएंगे, छोड़ो यार, कैंडल के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो तुम लोग, इतना टाइम पे जा रहा है, 1 घंटा नहीं, अपने 10 बजे तक ही, अरे टाइम नहीं है इतना। सब लोग साइड में आ गए हैं, इधर सेंटर पे आते हैं। गाइस कम लिख लो, कम लिख लो, बिहाइंड है वैसे, बिहाइंड है। हां हां, एच ए बी पी वाई, बर्थडे बर्थडे, सब लोग आइए, सब लोग साथ में आइए, हम लोग इधर आ जाओ, क्लोज क्लोज आ जाओ, दूर दूर भाग रहे हैं यार सब लोग, आप लोग भी आ जाओ सर, यू स्टे, मैं कहां पर, मैं क्यों बताऊं गाइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
कहाँ गई पर मेरे को कहाँ चले गए अरे बेरा ही डांटा चलाएगा बोले ना ना हो गया चलो डन अभी क्या नेक्स्ट क्या क्रिकेट